अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान एंड स्किन सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होंगे, अपने बालों का ख्याल रख रहे होंगे। और उसके साथ साथ आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग PSL देख रहे हैं, PSL को फॉलो कर रहे हैं, आपकी टीम कौन सी है आपने मुझे जरूर बताना है। जहां जहां से ज्वाइन कर रहे हैं जरूर लिखें कि आप कहां से ज्वाइन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अपनी फेवरेट PSL गेम भी बताते जाएं, और अगर हो सके तो मेरी फेवरेट टीम जो है उसको भी गेस करते जाएं। चलिए जी, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मोस्ट अवेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा इसके बारे में पूछा जाता है, क्वेरीज बहुत होती हैं, तो मैंने कहा कि हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा AM PM रूटीन, यानी कि सुबह की रूटीन और रात की रूटीन। लेकिन अभी हम जिस स्किन टाइप के लिए करेंगे वो है नॉर्मल टू ऑयली स्किन, या फिर ऑयली स्किन, और या फिर एक्नी प्रोन स्किन, और या फिर एक्टिव एक्नी वाली स्किन। तो आज जो हम करने वाले हैं रूटीन, जिस स्किन टाइप की जो है वो हम कवर करेंगे, वो होगी थोड़ी यंगर स्किन, और उसके साथ साथ नॉर्मल टू ऑयली या फिर ऑयली स्किन, इसकी डे रूटीन और नाइट रूटीन जो है वो आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्यों जरूरी है कि हमारे पास एक डेली बेसिस पे एक डे रिजीम हो और एक नाइट रिजीम हो। जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमारे पास होनी चाहिए। क्यों जरूरी होती है? बिकॉज जो स्किन है वो डे लाइट में किस चीज की प्रोटेक्शन चाहती है, और उसके ऊपर जब आप सो के उठेंगे तो आपको क्या कुछ यूज करना चाहिए ताकि वो सारा दिन एक स्ट्रेस लेने के लिए और एक सनलाइट का एक्सपोजर लेने के लिए तैयार रह सके। और रात की रूटीन क्यों जरूरी है? ताकि जब हमारी स्किन जो है वो जब हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्स करने वाली है, सोने वाली है, सारे दिन की थकावट जो है वो खत्म करने वाली है, तो उसी तरह हमारी स्किन जो है वो काम हो के सोए, वो सूद हो के सोए, और उसके अलावा जब वो जागे तो वो एकदम से फ्रेश, हेल्दी और नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आपके पास जो भी एज है, रिगार्डलेस ऑफ द एज, रिगार्डलेस ऑफ द स्किन टाइप, आपके पास एक डे रिजीम और एक नाइट रिजीम जरूर होनी चाहिए, और सबके पास होनी चाहिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आदमियों के पास या बॉयज के पास नहीं होनी चाहिए, मेल फीमेल दोनों के पास ये होनी चाहिए। अगर ये नहीं होती है तो ऑब्वियसली आपकी स्किन उतनी हेल्दी नहीं रह सकती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी रहे, आपकी स्किन जो है वो अच्छी क्या कहते हैं वेल टोन्ड रहे, और उसके बाद स्ट्रेस को फाइट करती रहे, और एंटी एजिंग थेरेपी की इतनी ज्यादा जरूरत ना रहे, तो फिर आप स्किन की मेंटेनेंस ज्यादा अच्छी कर लें। हाई एंड मेंटेनेंस होगी तो आपको डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स की कम जरूरत पड़ती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बताने वाली हूं, और फिर मैं साथ साथ आपको चीजें दिखाती जाऊंगी। जब आप सो के उठें, अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल टू एक्नी प्रोन या नॉर्मल टू ऑयली स्किन, या फिर ऑयली स्किन और एक्नी, एक्टिव एक्नी वाली या एक्नी प्रोन स्किन। ठीक है, तो हम नॉर्मल टू ऑयली स्किन के बारे में आज बात कर रहे हैं कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए कौन से चीजें जरूरी हैं और होनी चाहिए। बिल्कुल माइल्ड रखेंगे, बिल्कुल इनिशियल रखेंगे, बहुत ढेर सारी चीजें नहीं होंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर होंगी, उनको हमने जरूर कवर करना है, क्योंकि इसका तो मकसद ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज गोइंग टू बी क्लेंजिंग। यस, क्लिंजिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द मॉर्निंग टाइम। जब आप सुबह सो के उठें, आफ्टर वेकिंग अप, तो आपकी क्लिंजिंग स्किन की बहुत जरूरी है। कोई भी स्किन टाइप हो, मेच्योर स्किन है, ओल्ड स्किन है, किसी के लिए भी बहुत जरूरी है। और आप इस स्किन के बारे में जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्लिंजिंग, उसके बाद फेस वॉश, उसके बाद मॉइस्चराइजर, और उसके बाद आता है सनब्लॉक। ठीक है, तो ये चार चीजें जो हैं, ये चार स्टेप्स या फोर स्टेप्स हमने जरूर फॉलो करने हैं। मैं आपको कुछ फेस वॉशेस दिखाती हूं। ये देखिए, ये बहुत अच्छा फेस वॉश है नॉर्मल स्किन या फिर नॉर्मल टू ऑयली स्किन, और या फिर जो है वो एक्नी प्रोन या एक्टिव एक्नी स्किन जो है उसके लिए है। और ये जो है, सॉरी, मैंने आपको पहले क्लिंजिंग क्लिंजर्स दिखाने हैं। ये देखें, ये वाला क्लिंजर चेक करें, ये क्लिंजिंग क्ले है। क्लिंजिंग कैसे करते हैं उसका तरीका भी नोट कर लें। फर्स्ट
स्टेप जो है वो क्लिंजिंग है। क्लिंजिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने फेस को जो है वो डैम्प कर लेना है या गीला कर लेना है। गीला करने के बाद आपने अपनी क्लिंजिंग यहां पे ली, उसके आप डॉट्स बना दें और डॉट्स बनाने के बाद आपने जैसे स्क्रब करते हैं उसी मोशन में, ठीक है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में आपने 10 सेकेंड्स के लिए इसके ऊपर क्लिंजिंग करनी है। फेस के ऊपर क्लिंजिंग करें फॉर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स बहुत होते हैं, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया क्लिंजिंग करने का तरीका। एक क्लिंजिंग मैं आपको ये दिखा रही हूं, इसे क्लिंजिंग पेस्ट या क्लिंजिंग क्ले। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूं ये जो है ये क्लिंजिंग जेल है, ये भी बहुत अच्छी है। उसके बाद मैं आपको एक और क्लिंजिंग दिखा रही हूं, ये भी क्लिंजिंग जेल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो क्लिंजिंग है वो दिखा दी। क्लिंजिंग इज दी फर्स्ट स्टेप, अभी हम बात कर रहे थे फर्स्ट स्टेप के बारे में, वो है क्लिंजिंग, और क्लिंजिंग करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप यानी कि सेकेंड स्टेप पे, और वो है फेस वॉश। अभी मैं आपको फेस वॉशेस दिखाने लगी हूं। देखें ये वाला फेस वॉश, देखें बहुत ही अच्छा है, बहुत जेंटल है, लेकिन बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत ही क्या कहते हैं मॉडरेटली ऑयली होगी, कुछ लोगों की बहुत ज्यादा होती है। तो उसके हिसाब से मैं आपको 2-3 तरह के फेस वॉशेस दिखा रही हूं। पहले आप ये देख लें, ये भी बहुत अच्छा फेस वॉश है, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूं ये भी बहुत अच्छा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ है, एंटी एक्ने फेस वॉश। अब मैं आपको एक और दिखाने लगी हूं फेस वॉश, ये तो सबका ही फादर है ये जो है ना ये किंग है। किंग किस सेंस में मैं कह रही हूं, बिकॉज अगर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा एक्नी है या एक्टिव एक्नी है या ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, सीबम भी ज्यादा बनता है, या फिर नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, तो फिर आप या फिर बहुत ज्यादा जो है वो ऑयली स्किन है, दाने नहीं भी बनते बट बहुत ऑयली स्किन है, तो ये उसके लिए बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीन डिफरेंट तरह के फेस वॉशेस दिखा दिए। अब मैं आपको क्या दिखाऊंगी, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि डिफरेंट तरह के मॉइस्चराइजर्स जो आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक स्प्रे दिखा रही हूं, ये हाइलुरोनिक एसिड की स्प्रे है। हाइलुरोनिक एसिड की ये स्प्रे जो है कि काम करती है आपके फेस को, आपकी स्किन को सूथ करती है। इवन जिन लोगों को टेम्परेचर सेंसिटिविटी होती है या गर्मियों के मौसम में उनकी स्किन धूप में जाने से रेड हो जाती है, चाहे उन्होंने सनब्लॉक भी लगाया हो या किचन में काम करते हुए रेड हो जाती है, तो ये उनके लिए जबरदस्त है, क्योंकि ये अगर आपने फेस पे ऑलरेडी कुछ लगाया हो तब भी ये एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये आपने फेस वॉश करने के बाद इस तरह की चीज लगा सकते हैं। अब मैं आपको डिफरेंट सीरम्स दिखाने लगी हूं। एक ये दिखा रही हूं, ये हाइलुरोनिक एसिड का सीरम है, बहुत जबरदस्त है, ये आप लगा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और सीरम दिखा रही हूं, ये भी हाइलुरोनिक एसिड का सीरम है, ये भी बहुत अच्छा है, आप ये भी लगा सकते हैं। और अब मैं आपको एक और हाइलुरोनिक एसिड का सीरम दिखा रही हूं, ये भी बहुत अच्छा है। अब ये जो मैंने आपको तीनों सीरम्स दिखाए हैं, तो पहले आपने सीरम लगाना है, पहले आप फेस वॉश करने के बाद सीरम यूज करेंगे और फिर उसके बाद आपने मॉइस्चराइज करना है। अब मैं मॉइस्चराइजर्स भी दिखाऊंगी। ये मैंने आपको जितने भी सीरम्स दिखाए हैं ये सारे के सारे वाटर बेस्ड हैं। वाटर बेस्ड सीरम्स जो होते हैं वो गर्मी के मौसम में, स्पेशली गर्मियों के मौसम में, आपके जो पोर्स हैं उनको क्लॉग नहीं करते और आपकी स्किन जो है वो ब्रीथ करती रहती है और हेल्दी रहती है, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंट तरह के मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स दिखा रही हूं, ये देखिएगा। एक मैं आपको ये दिखा रही हूं, ये जो है ये भी सीरम फॉर्म में है और बहुत जबरदस्त है, हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड है, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं आपको एक क्रीम दिखा रही हूं, ये भी हाइलुरोनिक एसिड की क्रीम है, ऑयल बिल्कुल नहीं देगी, ऑयली नहीं करेगी फेस को और आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगी, विदर्ड नहीं होने देगी, ठीक है। और जब वो ड्राई या विदर्ड नहीं होगी ना, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो आपको वो नहीं लगेगी, मतलब बिल्कुल जो है वो डल नहीं लगेगी। उसी तरह से ये भी एक एंटी एक्नी मॉइस्चराइजर है, तो ये भी एक मॉइस्चराइजर है। मैंने आपको डिफरेंट तरह के मॉइस्चराइजर्स, ये दो जो है मैंने आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स दिखा दी हैं, और क्रीम को लगाने से पहले आपने जो सीरम्स लगा सकते हैं उसमें ये देख लें, ये वाले दो सीरम्स हैं, और उसके बाद मैंने आपको ये वाले दो सीरम्स दिखा दिए, ठीक है। अब ये मैंने आपको 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीरम्स दिखा दिए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा सनब्लॉक। और सनब्लॉक्स मैंने इसलिए नहीं रखे कि सनब्लॉक्स की तो ढेरों ढेर वैरायटी होती है,
सन ब्लॉक्स जो हैं वो जो क्लॉगेज नहीं देते वो भी होते हैं, जो कि जेल फॉर्म में होते हैं, पाउडर फॉर्म में भी सन ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, उसके बाद जेल फॉर्म्स में भी अवेलेबल हैं, फिर उसके बाद लोशन फॉर्म्स में भी अवेलेबल हैं, क्रीम फॉर्म्स में भी अवेलेबल हैं, तो डिफरेंट तरह के सन ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। तो जो सुटेबल वाला सन ब्लॉक है, जो कि आपकी स्किन के लिए सुटेबल हो, आप ऑब्वियसली वो ही लगाएंगे। सन ब्लॉक एक ऐसी चीज है जिसको आपने हर 5 घंटे के बाद रीअप्लाई करना होता है टिल सनसेट, यानी कि मगरिब तक आप उसको दोबारा जरूर अप्लाई करें। अगर आप उसको दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो 5 आवर्स के बाद वर्क करना छोड़ देता है। तो ये थी एएम रूटीन। एक दफा फिर से मैं एएम रूटीन जो है वो आपके साथ रिपीट कर लेती हूँ। जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज गोइंग टू बी क्लेंजिंग, जो सेकेंड स्टेप है दैट इज गोइंग टू बी योर फेस वॉश, जो थर्ड स्टेप है दैट इज गोइंग टू बी एनी हाइड्रेटिंग मिस्ट यानी कि स्प्रे, और या फिर जो है वो सिरम्स, ठीक है, हाइड्रेटिंग सिरम्स। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है वो आ जाता है क्रीम, फिर आपने सिरम लगाने के बाद क्रीम या मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है, और फिर फिफ्थ स्टेप जो आएगा वो होगा आपका सनब्लॉक। तो ये थी हमारी एएम रूटीन। अब हम आ जाते हैं पीएम रूटीन पे। पीएम रूटीन में हमने क्या करना है, जिस तरह की स्किन टाइप के बारे में बात कर रहे हैं उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपने क्लेंजिंग करनी है, 10 सेकेंड्स के लिए क्लेंजिंग हो गई, उसको रिंस ऑफ कर दें, वॉश कर दें अपना फेस। उसके बाद आपने फेस वॉश से वॉश करना है, उसके बाद उसको डैप ड्राई कर लें। जब आप डैप ड्राई कर लेंगे तो आप कोई सा भी जो है वो एंटी एक्नी स्प्रे यूज करेंगे। देखिए ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ है, इसके अंदर जो है वो प्रोबायोटिक्स जो है वो इसके अंदर जो है वो प्रीबायोटिक्स डले हुए हैं। तो ये स्प्रे जो है जब आप अपने फेस के ऊपर करेंगे, इस मिस्ट को करेंगे, तो उससे जो है वो एक्टिवली आपकी स्किन जो है उसके ऊपर रिपेयर शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर जब आप करेंगे इसको यूज करेंगे इस मिस्ट को, तो फिर ये एक्टिव होगी, ठीक है। एक ये वाली मैं आपको दिखा रही हूं, एक मैं आपको ये वाली दिखा रही हूं, ये भी बहुत जबरदस्त है, और एक फिर मैं आपको ये वाली दिखा रही हूं। ये तीनों की तीनों मैंने आपको स्प्रेज या मिस्ट जो है वो दिखा दिए हैं, और ये आप क्लिनजिंग करके फेस वॉश करके सबसे पहले लगाएंगे। जब आप इसको लगा लेंगे उसके ऊपर आप अपना कोई सा सिरम लगा सकते हैं। मैं आपको कहूंगी क्योंकि एक्नी वाली स्किन या ब्लैक हेयर्स, व्हाइट हेयर्स या ऑयली स्किन जो होती है उसका कलर ब्राइट रखने के लिए थोड़ा सा जरा स्ट्रगल करना पड़ता है, बिकॉज एक बैरियर होता है स्किन के ऊपर जो है वो एक फिल्म या एक बैरियर होता है ऑयल का, ऑयल की लेयर होती है। तो बेसिकली जो है वो मैंने नायासिनामाइड और जिंक वाला जो है वो रखा है आपको दिखाने के लिए। तो फिर आप ये वाला सिरम लगा सकते हैं। इस सिरम को लगाने के बाद आप उसके ऊपर कोई सी भी स्किन के लिए ब्राइटनिंग क्रीम जो है वो यूज कर सकते हैं। मैंने ब्राइटनिंग क्रीम क्यों नहीं रखी आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अगर मैं वो ले आती तो ढेर सारी हैं, बहुत सारी दिखानी पड़ती। तो उस मैंने कहा कि जो हमारा फोकस है वो हमारे स्टेप्स पे होना चाहिए, और आपको मैं वही वाली चीजें उन्हीं स्टेप्स में उसी ऑर्डर में दिखाना चाह रही थी जिसमें आपने फॉलो करना है। तो ये देख लें, ये बेसिकली जो है रात को लगाने के लिए पहले आपने क्लिनजिंग कर ली। एक दोबारा रिपीट करते हैं, जो पीएम रूटीन है उसमें सबसे पहले आपने क्लिनजिंग करनी है, क्लिनजिंग करने के बाद आपने फेस वॉश करना है, फेस वॉश करने के बाद आपने कोई सी भी जो है वो मिस्ट या स्प्रे जो है वो यूज करनी है, फिर आपने सिरम लगाना है, और उसके बाद आप क्रीम लगाएंगे, ठीक है। तो ये वाले 5 स्टेप्स हो गए जो कि आपने पीएम रूटीन में फॉलो करने हैं। मैं एक दफा फिर से जो है वो आपको मिस्ट दिखा देती हूँ। ये देख लें, ये टॉनिक है, टॉनिक मिस्ट है, और सारे के सारे जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स स्किन को देती है, स्किन ग्लो करेगी, स्किन आपकी डे बाय डे रिपेयर होगी, हील होगी और बहुत प्यारी होती जाएगी। और ये जो है ये मैंडेलिक एसिड के साथ स्प्रे है, ये वाला मैंने आपको दिखाया है, और एक फिर मैं आपको ये वाला दिखा रही हूँ, ठीक है। ये भी एंटी एक्नी मिस्ट है, और ये भी पोर्स को क्लॉग नहीं होने देता, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और सीबम को कंट्रोल करता है, और एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो भी कंट्रोल करता है। उसके बाद सिरम जो है वो मैंने नायासिनामाइड और जिंक वाला रखा हुआ है, ये इससे जो है वो आपके जो भी थोड़े बहुत जो है वो ब्लैमिशेस होंगे और थोड़े बहुत जो स्पॉट्स पड़ जाते हैं एक्नी के बाद या व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स के बाद, तो वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी पीएम रूटीन। तो अब हमने एएम रूटीन और पीएम रूटीन दोनों को हमने कवर कर लिया। लेट्स सी कि आप लोग क्या पूछना चाह रहे हैं। चिशमिश 7616 नूंस एंड चूजी ने ज्वाइन किया है, सना 96937 ने ज्वाइन किया है, मस्का खान ने ज्वाइन किया है, सुमो राजा ने ज्वाइन किया है, नूंस चूजी कह रही है हेलो, हेलो टू यू टू, सुमो राजा, चिशमिश 7616
ने ज्वाइन किया है. उसके बाद नून्स जो है वो कह रही हैं इस्लामाबाद. अच्छा, आप अपनी टीम बता रही हैं, दैट इज इस्लामाबाद यूनाइटेड. मेरी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो फेवरेट टीम है और मैं चाहती हूँ कि वो जीते. उसके बाद पलवशा बाकिर ने ज्वाइन किया है. उसके बाद पलारी बलोच ने ज्वाइन किया है. वो कह रही हैं मैम मेरी स्किन बहुत ऑयली है नोज और चेस्ट से, प्लीज़ इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है. अगर तो आप परमानेंट सोल्यूशन चाहती हैं तो उसके लिए ओरल मेडिसिन होती है. ओरल आइसोट्रेटिनोइन जो है उसका कोर्स कराया जाता है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, और उसका जो मिनिमम टू मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है क्या कहते हैं मेडिसिन का, ओरल मेडिसिन का, दैट इज 6 to 9 months. उससे क्या होगा कि उससे ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स के लिए, यानी कि कुछ फॉर है. उसके बाद मशाइल अरशद ने ज्वाइन किया है, इज़ा खान ने ज्वाइन किया है, यास्मीन खान 21 ने ज्वाइन किया है, आलू 768 ने ज्वाइन किया है. इज़ा खान कह रही है हाउ टू टेक ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट फॉर ब्राइटनिंग, शुड वन टेक एम्प्टी स्टमक, ऑलवेज टेक इट एम्प्टी स्टमक. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी बॉडी वेट उसकी डोज जो है वो चूज की जाती है कि आपको 500 पर डे लेना है या आपको 1000 मिलीग्राम पर डे लेना है. और उसके साथ उसको एक्टिव करने के लिए, उसको जो है वो आप समझ लें एक धक्का देने के लिए जो है ग्लूटाथायोन को चाहिए होता है विटामिन सी, तो उसके साथ जो है वो एटलीस्ट 1000 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी भी लेना होता है. और इन दोनों चीजों को, ग्लूटाथायोन को और विटामिन सी को, इकट्ठा लिया जाता है. खाली पेट लेना है, पानी के साथ लेना है, और एटलीस्ट 45 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट लेना है, यानी कि नाश्ते से पौना घंटा पहले या फिर एक पूरा घंटा पहले आप इसको लेंगे तो ये आपकी स्किन ब्राइटनिंग में आपको हेल्प करेगा. स्किन केयर पर शहीद ने ज्वाइन किया है, हफ्सा इमान 12 ने ज्वाइन किया है, समीना खाल 256 ने ज्वाइन किया है, सईद बख्तावर ने ज्वाइन किया है. उसके बाद दुआ जाहिद मुगल ने ज्वाइन किया है. इज़ा खान कह रही है काइंडली सजेस्ट एनी गुड ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट. इज़ा, मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस की हुई हैं, उसमें मैंने मेडिसिन दिखाई हुई हैं जो कि अच्छी वाली हैं, क्वालिटी वाइज अच्छी हैं, जो कि वर्क करती हैं. उसके अलावा मैंने खुद से बहुत दफ़ा जो है वो लाइव सेशन भी किया हुआ है और उसके अंदर मैंने डिफरेंट दिखाई हुई है. ग्लूटामैक्स बहुत अच्छी है, थायोसिल बहुत अच्छी है, जीपीजी बहुत अच्छी है, ग्लूटाविट बहुत अच्छी है. ये सारी जो है मैं अच्छी वाली जो है उनके नाम दे रही हूँ. ठीक है, ये सारी अच्छी हैं और बहुत अच्छी हैं. और लेकिन आप याद रखें कि आप अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट और इसका जो राइट वे है उसी में, उसी टाइम पे इसको लेंगे तो ये आपके कलर को ब्राइटन अप करेगा. स्किन केयर बाय शहीर कह रही है कि मैम सजेस्ट सम सनस्क्रीन विच डजंट लीव वाइट कास्ट एंड पीपल हु हैव बियर्ड कैन अप्लाई इट. यार, बियर्ड के ऊपर तो आपने पहले भी अप्लाई नहीं करना होता, बियर्ड वाला एरिया आपने छोड़ देना है क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो अंडर कवर होता है. और मैं जितने सनब्लॉक्स दिखाती हूँ उसमें से एक भी सनब्लॉक ऐसा नहीं है जो कि कास्ट छोड़ता हो. ठीक है, सन टैन बहुत अच्छा है, सोलो टैन बहुत अच्छा है, उसके बाद फार्मा सीरीज का सनब्लॉक बहुत अच्छा है, फिर आईएसआईएस फार्मा का सनब्लॉक बहुत अच्छा है, उसके बाद एसोलाइट सनब्लॉक है वो बहुत अच्छा है, प्रोवामेट का सनब्लॉक बहुत अच्छा है. मैंने कुछ नाम लिए लेकिन कोई भी इनमें से, एसीएम का सनब्लॉक बहुत अच्छा है, इनमें से कोई भी कास्ट नहीं देता. मैं कास्ट वाले नाम लेती ही नहीं हूं क्योंकि वो कोई नहीं लगाना चाहता, तो मैं नाम क्यों लूं और मैं उसे क्यों प्रिस्क्राइब करूंगी. अनस अनीफ 35 ने ज्वाइन किया है. इज़ा खान कह रही है इसोप्रानो लेजर मोर इफेक्टिव और कैंडेला फॉर हेयर रिमूवल फॉर नॉर्मल हेयरी स्किन. आप पता क्या क्वेश्चन पूछ रही है मुझसे, आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रही है कि मैं सैमसंग का टीवी लूं और या फिर जो है वो LG का टीवी लूं. वो तो दोनों ही टीवी हैं, आप अपनी मर्जी से अपनी चॉइस से ले लें. बिल्कुल ऐसे है, दोनों जो हैं वो आप कंपनी का नाम ले रही हैं. कंपनी का नाम लेने से तो कुछ नहीं होगा ना, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बेसिकली लेजर को, उससे फर्क पड़ता है. आप जो नाम ले रही हैं वो दोनों एक ही सेम टेक्नोलॉजी है, उनकी सिर्फ खाली कंपनी डिफरेंट है. राइट, जैसे आप सोनी का टीवी ले लें या LG का टीवी ले लें या फिर सैमसंग का टीवी ले लें, वो तीनों ही LED होंगे या फिर LCDs होंगी. ठीक है, तो यह आप इस तरह का क्वेश्चन पूछ रही हैं. आई होप सो आपको समझ आ गई होगी. उसके बाद हफ्सा 5684 कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप. वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. काइंडली सजेस्ट एनी क्रीम फॉर डार्कनेस एट द कॉर्नर ऑफ द आईज, यानी कि आप इस साइड पे कह रही हैं जो भी आपकी आई की क्रीम है जो कि आई पे लगाने के लिए देते हैं फॉर डार्क सर्कल्स, आप वही यूज करेंगी इस स्किन पे, इस एरिया पे आपने वही यूज करनी है. राइट, अगर आप यहां पे कह रही हैं तो आप वही वाली क्रीम यूज करेंगी.
जैसे मैं डार्क आउट आई क्रीम देती हूँ जिनके बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड डार्क सर्कल्स होते हैं, तो आप यहाँ पे वही लगाएंगी, ठीक है? अनस हनीफ 35 कह रही है आई एम यूजिंग डर्मो फ्यूचर सीरम, नो रिजल्ट्स। यार डर्मो फ्यूचर सीरम मतलब एक चीज लगा के आपको किस किस्म का रिजल्ट चाहिए था ये भी तो बताएं। एक वाइटामिन सी का सीरम लगा के आपको किस किस्म का रिजल्ट चाहिए? आप उससे पहले क्या यूज कर रहे हो, आप उसके बाद में क्या लगाते हो, आप सन प्रोटेक्शन कितनी रखते हो? आप और एलैबोरेट करके अपना क्वेश्चन पूछना चाहती हैं तो फिर एलैबोरेट करके लिखें, ठीक है? एक चीज से आप कितना और क्या रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है? शोना जहांगीर ने ज्वाइन किया है, हया 58 खान ने ज्वाइन किया, ऐसा खान कह रही है इज यूथ पोशन क्रीम गुड फॉर एंटी एजिंग। ये तो ऐसे ही है ना यार कि डिफरेंट तरह की क्रीम्स हैं, ठीक है? आप अपनी मर्जी से चूज करना चाहते हो आप अपनी मर्जी से चूज कर लो। अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको टेलर मेड चीज दी जाए तो फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा आपकी स्किन को देख के और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ योर स्किन, ठीक है? बाकी तो इतनी सारी है, आप कोई भी ले सकते हो। अब आप जो मुझसे पूछ रहे हो ये तो बेसिकली वही है ना, ओवर द काउंटर जो आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, आप ये यूज करना चाहते हो आप ये भी यूज कर सकते हो। अनसनी 35 के लिए फार्मासीज मॉइस्चराइजर सुटेबल फॉर ऑयली स्किन। वैसे इसके जितने भी मॉइस्चराइजर्स हैं, जैसे ये जो मैंने आपको मॉइस्चराइजर दिखाया फार्मा सीरीज का, ये भी जो है वो ऑयली स्किन के लिए है। ये जो मैंने आपको फार्मा सीरीज का दिखाया ये भी ऑयली स्किन के लिए, ठीक है? फार्मा सीरीज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो क्लॉग किसी वो आपके पोर को क्लॉग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक लेवल होता है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप क्या चीज लगाएंगे। अगर बहुत ज्यादा ऑयली है तो ये जो मैंने दिखाई है ये बहुत अच्छी है, और एक ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दोनों फार्मा सीरीज की हैं, ये भी बहुत अच्छी है, ठीक है? अगर ऑयली स्किन है तो फिर आप ये यूज करें। उसके बाद कवर 1659 ने ज्वाइन किया है, और फिर हफ्सा 5684 कह रही है मैम माई नो स्किन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फेस, नो स्किन इज वेरी ड्राई विद वियर्ड बम्प्स एंड मोल्स, काइंडली कुछ क्रीम बता दें। बम्प्स एंड मोल्स, मोल्स को तो देखो क्रीम से कुछ नहीं होगा, बम्प्स किस चीज के हैं, क्या सीबम बहुत बनता है उसकी वजह से जो है वो सिस्ट बन गए हुए हैं, सीबो सिस्ट भी होते हैं जो कि बिल्कुल आपको स्किन कलर्ड ही लगते हैं या थोड़े से वाइटिश होते हैं। तो मैं आपको इन जनरल बात बताने लगी हूँ कि फिर आप नोज की स्किन के लिए जो है वो ट्वाइस वीकली एक्सफोलिएशन जरूर करें, वो बहुत जरूरी रहेगी। उसके अलावा टोनर जरूर यूज करें। टोनर कब लगाते हैं, लेट सपोज कि आपने क्लिंजिंग कर ली, आपने फेस वॉश, हाँ क्लिंजिंग भी जरूर करनी है, क्लिंजिंग फेस वॉश, और उसके बाद जब फेस वॉश कर लें तो सबसे पहले आप टोनर यूज करें, और टोनर को यूज करने के बाद उसके ऊपर जो आपकी स्किन की रूटीन है वो आप कर लें, ठीक है? ट्राई करके देखें, अगर कोई चीज परसिस्ट करती है, अगर इश्यू उसी तरह से रहता है तो फिर आपने डॉक्टर को जरूर दिखाना है। उसके बाद वेलरीना ने पूछा है प्रोफाइलो इज अवेलेबल, प्रोफाइलो इज अवेलेबल फॉर व्हाट पर्पस, ये आप क्या चाह रही हैं वो आपने नहीं लिखा। उसके बाद क्या आपने घर में लगाना है, क्लिनिक्स में तो अवेलेबल ही होता है, हमें घर में तो नहीं लगाना ना। उसके बाद जेना नसीम ने ज्वाइन किया है, अवीन सैयद ने ज्वाइन किया है, उसके बाद डॉक्टर उस्मान तुफैल ने ज्वाइन किया है, उस्मान 0088 ने ज्वाइन किया है, उसके बाद राजा बिलाल 307 कह रहे हैं हाई डॉक्टर हाई टू यू टू। उसके बाद अवीन सैयद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, थैंक यू सो मच बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस माय स्किन इज गेटिंग मोर ब्यूटीफुल, इवन पीपल से मी इन फैक्ट आई हैव ऑलरेडी क्लियर स्किन बट आई डोंट फाइंड जैमसालिक लोशन इन सेम फॉर्मूला आई गॉट। जैमसालिक तो अवेलेबल है, जैमसालिक आपको मिल जाएगा, मार्केट से भी मिल जाएगा, नहीं तो क्लिनिक पे कॉल करके पूछ लें, जो क्लिनिक के नंबर्स हैं उन पे कॉल करके पूछ लें, अवेलेबल भी है और आपको डिलीवर भी हो सकता है। अवीन सैयद कह रही है बीटा सैलिक ऑइंटमेंट लिए आपने, नहीं, बीटा सैलिक जो है वो भी अच्छी है, वो लेनी है वो ले लें, लोशन जरा लगाना आसान होता है, उसमें चिपचिप कम होती है, वो भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और ये आपको पता है ना कि मैं हमेशा कहती हूं कि ये आपने अपने डार्क नकल्स पे लगाना है, पूरे हाथों पे या और कहीं नहीं लगाना, ठीक है? उसके बाद अवीन सैयद कह रही है इज इट गुड फॉर डार्क नकल्स एंड स्पॉट्स, जी बिल्कुल, आप बीटा सैलिक को भी यूज कर सकते हैं, जैम सैलिक को भी यूज कर सकते हैं, बट ओनली फॉर डार्क नकल्स, ठीक है? और कहीं नहीं लगाना। आमना 6798 ने ज्वाइन किया है, अवीन सैयद कह रहे हैं ब्राउन स्पॉट्स किधर, ब्राउन स्पॉट्स अगर हाथ पे हैं या पाओं पे हैं तो आप यूज कर सकते हैं, नॉट ऑन योर फेस, फेस के ब्राउन स्पॉट्स, नेक के ब्राउन स्पॉट्स उसके ऊपर ना लगाएं। अवीन सैयद कह रहे हैं बेस्ट डॉक्टर,
थैंक यू वेरी मच, सो स्वीट ऑफ यू. उसके बाद मिसबा रहीम 9072 ने ज्वाइन किया है. सबा खान 5991 कह रही है, मैम ड्राई स्किन के लिए फेस वॉश और क्रीम बता दें और अच्छा सा टोनर भी. ओपन पोर्स हैं और स्किन फ्रेश रहे, डे नाइट क्रीम और एंटी एजिंग के लिए सीरम. अभी मेरी एज 28 है. अच्छा ऐसा है ना सबा, अभी आज तो मैंने जो ऑयली स्किन है या जो नॉर्मल टू ऑयली स्किन है या एक्नी प्रोन स्किन है, मैंने उसके लिए बताया. अब जो नेक्स्ट लाइफ होगा उसके अंदर जो है वो मैंने ड्राई स्किन या फिर ये कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बताना है, ठीक है? तो आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि आपने इतनी सारी चीजें पूछ ली हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी भी तो आपको समझ नहीं आ जाएंगी. लेकिन जो रूटीन है वो आपकी भी यही रहेगी कि आप क्लेंजिंग करेंगी, आप फेस वॉश करेंगी, उसके बाद अगर कोई मिस्ट या कोई चीज यूज करनी है या टोनर यूज करना है वो यूज करके, और फिर उसके ऊपर जो है वो आप सीरम यूज करेंगी और फिर मॉइस्चराइजर यूज करेंगी एंड देन सनब्लॉक, ठीक है? अच्छा एक मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूं, ये बेसिकली जो है ये मैटिफाइंग है या पोर मैटिफाइंग है, ठीक है? ये मैटिफाइंग या पोर मैटिफाइंग क्रीम है. इसको आप मेकअप करने से पहले भी यूज कर सकते हैं फॉर द ब्लरिंग इफेक्ट, और वैसे भी अगर आप इसे रूटीन में यूज करेंगे तो ये पोर श्रिंकेज करता है, पोर्स को श्रिंक करेगा, पोर्स का साइज छोटा करेगा, पोर्स को जो है वो लेस ऑब्वियस करेगा. उसके बाद सोलो ई बार आता है वो भी बहुत अच्छा है, सेंसिटिव बार आता है वो भी बहुत अच्छा है. ये सारे के सारे अच्छे हैं, ये आप बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद सादिया अली 242 ने ज्वाइन किया है, सादिया शाहिदा इसहाक ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर शहजाद रशीद ने ज्वाइन किया है. उसके बाद डॉक्टर शहजाद रशीद पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, काइंडली प्रिस्क्राइब मी बेस्ट व्हाइटनिंग क्रीम एंड फेस वॉश, माय स्किन टाइप इज नॉर्मल, नो पिगमेंटेशन, नो एनी अदर इशू, जस्ट टू व्हाइटन माय स्किन, थैंक्स, आई लव ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शहजाद, आपने डॉक्टर शहजाद रशीद जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शहजाद रशीद, आपने ज्वाइन किया लाइव को और आपने अप्रिशिएट किया, इट्स वेरी इनकरेजिंग, थैंक यू वेरी मच. अच्छा जैसे कि आपने कहा कि कोई इशू नहीं है तो मैं आपको एक क्रीम बता रही हूँ, डार्क आउट के नाम से क्रीम आती है, डार्क आउट क्रीम. ये आप मॉर्निंग में भी सनब्लॉक से पहले लगा सकते हैं और रात को सोने से पहले भी लगा सकते हैं. अगर आप इसे ट्वाइस डेली यूज करेंगे तो इसके रिजल्ट्स बहुत एनहांस्ड और बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आपकी स्किन नॉर्मल है, कोई और इशू नहीं है. याद रखें कि जितनी भी अच्छी स्किन हो सनब्लॉक जरूर लगाना है, तो आपने सनब्लॉक से पहले डार्क आउट क्रीम लगा लें और फिर उसके ऊपर जो है वो आप अपना सनब्लॉक लगा लें और एक दफा आपको सोने से पहले आप डार्क आउट क्रीम लगाएं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह. उसके बाद डॉक्टर शहजाद रशीद पूछ रहे हैं, हाइलुरोनिक एसिड के साथ मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए? जी बिल्कुल यूज करना चाहिए, अगर आप सीरम यूज कर रहे हैं. अगर आपने सीरम यूज किया है तो उसके ऊपर क्रीम लगाएंगे आप. जैसे ये देखें मैंने आपको सीरम दिखाया, ये भी हाइलुरोनिक एसिड का सीरम है और ये भी हाइलुरोनिक एसिड का सीरम है. आपने पहले सीरम लगाना होता है और उसके ऊपर फिर आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएंगे, जैसे मैंने ये वाली क्रीम दिखाई है या ये वाली क्रीम दिखाई है, ठीक है? तो पहले आप सीरम लगाते हैं और सीरम के बाद आपने क्रीम लगानी ही है, ऐसे नहीं होगा कि आप खाली सीरम लगाएं, ठीक है? सीरम के बाद आप उसके ऊपर क्रीम जरूर लगाएं. महर गिलानी कह रही है, मेलोना आर सीरम कैसे यूज करना चाहिए, काइंडली बता दें. बिल्कुल जैसे कोई भी सीरम यूज करते हैं आप बिल्कुल वैसे यूज करेंगी, ठीक है? आप उसी तरह से यूज करेंगी जैसे पहले सीरम लगता है, जैसे पहले क्लिंजिंग कर ली, फिर फेस वॉश कर लिया, फेस वॉश करने के बाद उसे डैप ट्राई कर लें फेस को और फिर उसके ऊपर आप अपना सीरम लगाएंगी, इसी तरह से लगाना है आपने. उसके बाद डॉक्टर शहजाद रशीद कह रहे हैं, योर हेयर कलर सूट्स यू मोस्ट, काइंडली टेल मी ब्रांड एंड नेम प्लीज. थैंक यू वेरी मच फॉर द एप्रिसिएशन. जो कलर है इसको कहते हैं बेज ब्लॉन्ड, इट्स अ बेज ब्लॉन्ड कलर, ठीक है? और ये आपको किसी भी कंपनी का मिल जाएगा. जो मैं यूज करती हूँ दैट इज प्रिवाना, मैं प्रिवाना का यूज करती हूँ, लेकिन आप कोई भी ले सकते हैं जो कि बेज ब्लॉन्ड हो. हफ्सा 5684 कह रही हूँ, प्लीज डॉक्टर कभी डाइट पर भी सेशन रखें, विच डाइट इज बेस्ट फॉर गुड स्किन. ओके मैं इसके ऊपर भी करती हूँ. मुझे ये लगता है कि लोग जो हैं वो
मेहनत वाला काम नहीं करना चाहते, क्योंकि जब भी मैंने उसके ऊपर बात की है ना तो वो मेहनत वाला काम नहीं करना चाहते। मोस्टली पाकिस्तान में लोग जो है उनको शॉर्टकट्स अच्छे लगते हैं, वो कहते हैं आप उसको ये ऐसी क्रीम बताते हैं उससे दाने भी चले जाएं, उसके निशान भी चले जाएं। वो नेक्स्ट सेशन जो हम करेंगे वो हम करेंगे AM PM रूटीन फॉर नॉर्मल टू ड्राई या फिर ड्राई मेच्योर स्किन, ठीक है। पहले इसको फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम डाइट वाले पे जाएंगे कि ऐसी कौन सी डाइट जो है वो ली जा सकती है या उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है रूटीन में ऑन डेली बेसिस, जिससे आपकी स्किन हेल्दी रहे, ब्राइटन अप रहे और फ्रेश रहे, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। उसके बाद हारून रशीद 5 कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डॉक्टर? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। वी ऑल ट्राई टू कंप्लाई विद AM and PM रूटीन, बट व्हाट अबाउट आफ्टरनून रूटीन? काइंडली शेयर योर थॉट्स। अच्छा, आपने बहुत मजे का क्वेश्चन पूछा है कि आफ्टरनून में क्या हो यार, आफ्टरनून में थोड़ा रिलैक्स रहे और क्या करना है, स्किन को भी रिलैक्स रहने दे, उसके ऊपर हर वक्त इतनी सारी चीजें लगा के रखने की जरूरत नहीं है। आफ्टरनून में ये कर लिया करें कि आफ्टरनून में जब आप दोबारा से फेस वॉश करें तो आपको क्लिंजिंग की जरूरत नहीं है। क्लिंजिंग जो है वो ट्वाइस डेली बहुत अच्छी रहती है, एक दफा सुबह और एक दफा रात को फेस वॉश से पहले, या फिर आप रात वाला स्किप कर दें, रात वाली क्लिंजिंग, और उसको वहां पे ले जाएं, उस टाइम पे ले जाएं इवनिंग में या लेट आफ्टरनून में, जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी या बाहर से काम करके या ऑफिस से काम करके आए तो तब आप क्लिंजिंग कर लें, फिर रात वाली स्किप कर दें, टाइम चेंज कर लें, लेकिन ट्वाइस डेली जो है वो क्लिंजिंग काफी होती है, इनफ होती है, बार बार या बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो आफ्टरनून में आप सिर्फ खाली जो है वो अपना फेस वॉश कर सकते हैं सिंपल, और फेस वॉश करने के बाद इतनी चीजें आपके पास, कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, कोई मिस्ट है, कोई सिरम है, तो आप हल्का सा अगर मॉइस्चराइजर चाहिए हो तो सिर्फ खाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के दोबारा सनब्लॉक लगा लें। अगर आपकी स्किन मॉइस्चराइजर नहीं मांगती है तो फिर आप सिर्फ खाली सनब्लॉक लगा लें, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन था और मुझे अच्छा लगा कि आपने इसके बारे में सोचा कि दोपहर में क्या करना है, आफ्टरनून में क्या करना है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, ये आज का हमारा जो है वो लाइव सेशन था। अब जो नेक्स्ट हम सेशन करेंगे वो हम करेंगे AM PM रूटीन फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन या फिर ड्राई एंड मेच्योर स्किन। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मैचेस भी देखें, खुश रहें, अपनी सेहत का ख्याल भी रखें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें जो कुछ उसने आपको दिया। स्किन के छोटे मोटे इश्यूज जो हैं वो हम आपस में बात करके सॉल्व कर लेंगे, और अगर ज़रूरत होगी तो कोई ट्रीटमेंट करके, कोई प्रोसीजर करके सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये कि अल्लाह ने आपको हेल्थ दी है तो आप खुश रहें और उसका शुक्र अदा करें। तो अपना बहुत ख्याल रखें, नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।